हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज, आज हम जा रहे हैं जंगल सफारी के लिए और मेरे साथ जा रहे हैं योगेश भाई। तो बेसिकली आज हम जा रहे हैं सीतामणि जोन में, और जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का एक हिस्सा है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जानवर देखने को मिलते हैं और लाखों टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं जिप्सी से सफारी करने के लिए। तो हमारा ये लोकल जोन है, तो हम जा रहे हैं आज अपनी थार लेके। तो चलते हैं और देखते हैं आज हमारी किस्मत में कौन सा जानवर देखने को मिलेगा। तो गाइस, कुछ किलोमीटर चलने के बाद हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, यहाँ पे पौलगढ़ में। और ये पौलगढ़ का छोटा सा गांव है और जो कि एकदम जंगलों के पास बसा हुआ है, काफ़ी खूबसूरत सा। तो गाइस, फाइनली हम यहाँ पे सीतामणि जो गेट है, यहाँ से जहाँ से सफारी शुरू होती है, वहाँ पहुँच गए हैं। और आप देख रहे होंगे ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी जिप्सियाँ खड़ी हैं पहले से ही। तो अब यहाँ से एंट्री कराते हैं और फिर चलते हैं सीधा सफारी पे। तो गाइस, हमने एंट्री की परमिशन यहाँ से ले ली है और बिना परमिशन के अंदर एंट्री होती नहीं है। तो गाइस, अब सीधा चलते हैं और करते हैं सफारी। तो गाइज, ये हो गई है हमारी जंगल सफारी स्टार्ट, और ये हमें पहला वाटर क्रॉसिंग यहाँ पे पड़ा है। और ये नदी है, दाबका नदी में हमने एंट्री ले ली है, और आप चारों तरफ देख रहे होंगे कितनी ये फैली हुई है नदी। तो गाइज, हमने जैसे ही फॉरेस्ट के एरिया में हम एंटर हुए तो जानवर दिखने हमें स्टार्ट हो गए हैं, और वो देखो सामने भाग गए। हिरन देखने को मिले हमें, अभी और मिलेंगे, देखते हैं अभी, पास चलते हैं आराम आराम से। दो बच्चे थे हिरन के, ये रहे। तो आज की जो है हमारी जानवर देखने की हमारी जो है शुरुआत तो हो गई है। तो गाइस, यहाँ पे जो है कि हमें हिरन देखने को मिले और दर्शन तो फाइनली हो गए हैं जानवरों के। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज और क्या क्या देखने को मिलेगा। बाकी हमारे लक पे डिपेंड करता है सारा कुछ, क्योंकि ये जू तो है नहीं, तो जंगल है ये, इसमें जानवर की गारंटी नहीं है कि देखने को क्या मिले। तो गाइज, अब बढ़ते हैं आगे, और आगे कुछ और देखने को मिलेगा। तो फिर स्पॉटेड डियर तो हमने काफ़ी देख लिया, कोई आज किस्मत सही हो यार, कोई बड़ा जानवर टाइगर देखने को मिल जाए, टाइगर या एलिफेंट मिल जाए, मज़ा ही आ जाएगा, दिन बन जाएगा एकदम, क्यों। ये तो गाइज रोड क्रॉस कर रहे हैं, फिर हमें हिरन देखने को मिले हैं। तो गाइज, अभी हम बढ़ रहे थे आगे की तरफ को, और सामने जंगल सफारी वाली जिप्सियाँ भी आ रही हैं। और ये जो दाबका नदी का जो व्यू है गाइज, ये देखिए कितना अल्टीमेट व्यू है। और सामने फॉग ज़्यादा है, इसलिए सामने कोटाबाग के पहाड़ यहाँ से अभी दिख नहीं रहे, ये तो यहाँ से एकदम साफ व्यू देखने को मिलता है। और ये आ रही हैं सामने सफारी वाली जिप्सियाँ, जिनके लिए ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है 2-2.5 महीने पहले। तो गाइज, अभी आपने देखा होगा हम पीछे थे यहाँ पे दाबका नदी में, और अब हम आ गए हैं यहाँ पे फॉरेस्ट के एरिया में। और यहाँ पे जो व्यू आ रहा है ना, वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। आप देखो चारों तरफ आप नज़र डालेंगे तो जो पेड़ आपको देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे एकदम साल के पेड़ हैं। और इस पेड़ के बारे में कहा जाता है कि इसकी काफ़ी लॉन्ग लाइफ होती है, और इस लकड़ी में कभी कीड़ा भी नहीं लगता है। और हमारी लोकल लैंग्वेज में इसके लिए कहावत है कि इस पेड़ के बारे में कि 100 साल खड़ा और 100 साल पड़ा और उसके बाद भी नहीं सड़ा। तो काफ़ी एकदम ये जानी मानी लकड़ी है। तो गाइस, अब बढ़ते हैं आगे जानवर की तलाश में। बस इसी सड़क पे आते हुए वो दिख जाए ना टाइगर, कम से कम वो भी 8-10 इकट्ठे, और आगे में आगे बिल्कुल यहाँ पे गाड़ी की बोनेट पे बैठ जाए मज़ा ही आ जाएगा। तो गाइस, काफ़ी देर चलने के बाद फिर हमें एक रिवर पड़ा है, तो गाइज रिवर क्रॉस करने के बाद हम इस वाले फॉरेस्ट में पहुंचे हैं। और यहाँ पे अब आप देखेंगे तो सारे के सारे पेड़ जो हैं वो सागवान के हैं, और पीछे पूरा जंगल जो था वो साल के पेड़ों का था। वहाँ अलग अलग पेड़ देखने को मिल रहे हैं, पर अलग अलग जानवर देखने को नहीं मिल रहा है तो गाइज यहाँ पे फिर हमें यहाँ पे हिरन देखने को मिले हैं, और पूरा का पूरा झुंड है इनका। और आप देखेंगे तो एक मेरे ख्याल से ये पूरा एकदम 20-25 हिरन होंगे ये, और स्पॉटेड डियर हैं ये। आप देख रहे होंगे इनकी पीठ पे जो है कि स्पॉट बने हुए हैं, और पूरी फैमिली है इनकी। खाना खा रहे हैं ना, तो पूरे दिन भर आई थिंक ये घास वास खाते होंगे, और फिर नाइट में आराम करते होंगे, और फिर इनको बचना भी होता है बड़े जानवरों से। तो गाइज, यहाँ पे जंगल सफारी करते हुए हम पहुँच गए हैं यहाँ पे जंगलों के बीच में, एक गांव बसा हुआ है प्रॉपर, और ये रामपुर जगह है कोई। तो मैं आपको दिखाता हूँ कितना बड़ा गांव यहाँ पे जंगलों के बीच में बसा हुआ है। और यहाँ आने का आपने रोड तो देख ही लिया होगा कैसा था,
तो काफ़ी टफ है यहाँ पे पहाड़ों पे सरवाइव करना। और यहाँ से जो पहाड़ों का व्यू आ रहा है एकदम पाठकोट तक के, यहाँ पे पहाड़ जो है साफ दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इस तरफ से, अभी हम आए फॉरेस्ट की तरफ से और ये खड़ी है अपनी थार। और ठीक आप इसके सामने देखेंगे तो ये रहा रामपुर गाँव। तो गाइज अब चलते हैं वापस और देखते हैं लौटते टाइम कोई जानवर देखने को मिल जाए। अभी तक का तो जो रहा है हमारा सफर एवरेज एवरेज रहा है, तो अब आगे को देखते हैं चलते टाइम कोई जानवर और मिल जाए तो। उम्मीद पे दुनिया कायम है, चले भाई चलो, टाइम भी काफी ज्यादा हो गया है। तो गाइज अब बढ़ते हैं यहाँ से सीतामणि टेम्पल की तरफ को और थोड़ा आगे तक और जाते हैं, थोड़ा एफर्ट और करते हैं, क्या पता कुछ देखने को मिल जाए, फिर उसके बाद चलेंगे वापस। तो ये वाला जो रोड अब सीधा आगे को जा रहा है, इस रास्ते में ही जो मैंने एक पहले ब्लॉग बनाया हुआ है, काफ़ी ऐतिहासिक टेंपल है यहाँ पे सीतामणि, तो उसका भी मैंने ब्लॉग बनाया हुआ है अपने चैनल पे, वो आप देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा हो तो। तो गाइज एकदम सामने मुझे हिरन का झुंड दिख रहा है, तो आराम आराम से आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाता हूँ बिल्कुल स्लोली स्लोली आगे बढ़ते हैं। तो ये रहे और तेरी यहाँ कितने हैं ना, तो ये फाइनली एकदम तगड़ा व्यू हमें देखने को मिला। टाइगर तो क्या ही होगा यहाँ पे, टाइगर होता तो ये दूर दूर तक नहीं दिखते, टाइगर के तो मुझे जीरो ही चांस लग रहे हैं दिखने के, आज टाइगर रेस्ट में है हमारे नसीब में नहीं है। तो गाइज अब टाइम हो गया है काफ़ी ज़्यादा और जो सफारी वाली जिप्सियाँ थी वो भी सारी ऑलमोस्ट चले गई हैं वापस, तो अब हम भी चलते हैं क्योंकि शाम के टाइम में यहाँ पे रिस्की है रुकना, तो अब सीधा चलते हैं गाइज वापस। और तो गाइज फाइनली हम पहुँच गए हैं यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो गाइज फाइनली मैं पहुंच गया हूं घर, आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय करा होगा। तो गाइज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।